नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। ईद उल फितर का चांद अब तक कहीं से देखे जाने की पुष्टि नहीं हुई है। ईद को लेकर बाजारों में देखी जा रही है काफी चहल पहल। प्रदेश के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए 32,000 शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, अगले वर्ष स्वतंत्रता दिवस तक प्रदेश के सभी घरों में बिजली के प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएंगे। और मौसम विभाग ने 6 जून से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की जताई संभावना। ईद उल फितर का चांद अब तक कहीं से देखे जाने की पुष्टि नहीं हुई है। इस सिलसिले में अगला ऐलान आकाशवाणी पटना से आज रात 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। इधर ईद को लेकर बाजारों में काफी रौनक देखी जा रही है। हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि बाजारों में उत्सव का माहौल देखा जा रहा है। लोग कपड़ों के साथ साथ सेवई, सूखे मेवे और अन्य सामानों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। प्रदेश के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए 32,000 शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग के प्रवक्ता अमित कुमार ने बताया कि सभी नियोजन इकाइयां 14 जून तक मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन करेंगी। 17 से 21 जून के बीच डिग्री का मिलान होगा। वहीं 24 जून को मेधा सूची का अनुमोदन और 25 तारीख को इसे सार्वजनिक किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों के बीच 28 और 29 जून को नियोजन पत्र का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले वर्ष स्वतंत्रता दिवस तक प्रदेश के सभी घरों में बिजली के प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएंगे। श्री कुमार आज पटना में बिजली विभाग की लगभग 693 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का भी लोकार्पण किया। इसके माध्यम से उपभोक्ताओं की सभी परेशानियों का हल एक ही जगह संभव हो सकेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने विद्युत विभाग के नए हेल्पलाइन नंबर 1912 की शुरुआत की। उपभोक्ता इस दूरभाष संख्या पर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकेंगे। समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में बिजली प्रक्षेत्र पर 55,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बिजली की उपलब्धता के कारण प्रदेश के लोगों को अंधकार के युग से बाहर निकाला जा सका है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से अपील की है कि कल विश्व पर्यावरण दिवस पर वे एक एक पौधा लगाएं। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने लोगों से पौधा लगाने की सेल्फी लेकर भेजने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए लोग कल अधिक से अधिक संख्या में इस अभियान में योगदान करें। श्री जावड़ेकर ने कहा कि पर्यावरण केवल सरकार का कार्यक्रम नहीं है और साफ पर्यावरण का लक्ष्य प्राप्त करने में लोगों की भागीदारी जरूरी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रसार भारती की स्वायत्तता बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में एक समारोह में श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रसार भारती को डिजिटल विस्तार के दौर में नई संभावनाएं खोजनी चाहिए। हमारी भूमिका स्पष्ट है कि प्रसार भारती की ऑटोनॉमी एक महत्वपूर्ण है, वो कानून से आई है और इसलिए ये भी कानून इमरजेंसी के बाद बना, इसलिए बना कि उस पर कोई आंच ना आए। और हम भी यही चाहते हैं कि प्रसार भारती अच्छी तरीके से अपना काम करे, नए नए योजनाओं को लाए, लोगों की बदलती हुई आदतों को समेट ले। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल में दूरदर्शन की विश्वसनीयता बढ़ी है। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी अपने समाचारों की प्रामाणिकता के कारण अन्य चैनलों से बहुत आगे है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की विभिन्न बसों में आज से मासिक पास सिस्टम लागू हो गया है। परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला और विभागीय सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने आज पटना में इसकी शुरुआत की। मासिक पास सिस्टम में सामान्य, महिला, छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग पास रहेगा। पटना शहर के अलावा रूट मासिक पास सिस्टम भी जारी होगा। परिवहन सचिव ने बताया कि पटना से हाजीपुर के लिए 1200 रूपये, पटना से बिहार शरीफ के लिए 2900 और पटना से बिहटा के लिए 1400 रूपये में एक महीने तक लोग सफर कर सकेंगे। इस अवसर पर सिटी सर्विस की बसों की स्थिति की जानकारी के लिए मोबाइल ऐप चलो का भी लोकार्पण किया गया। निगरानी जांच ब्यूरो ने बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल पटना में पदस्थापित लिपिक राजू कुमार साह को 12,000 रूपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लिपिक शिकायतकर्ता से दवा दुकान के निबंधन के एवज में रिश्वत ले रहा था।
सीवान सदर अस्पताल में एक चिकित्सक के साथ मारपीट के विरोध में डॉक्टरों की जारी हड़ताल आज तीसरे दिन खत्म हो गयी। डॉक्टरों के साथ मारपीट करने वाले सिपाही की गिरफ्तारी के बाद चिकित्सक अपने काम पर लौट आए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 17 लोगों की मौत हो गई। खगड़िया जिले के महेशखूंट थाना क्षेत्र के गौछारी गांव के पास एक ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं सीवान जिले के सिसवन थाना क्षेत्र के घुरघाट गांव के पास आज तड़के बस की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत हो गई। बेगूसराय से मिली जानकारी के अनुसार जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र के कारीचक चौक के पास एक अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। इधर सहरसा से प्राप्त समाचार के अनुसार जिले के महिषी थाना क्षेत्र के बघवा गांव के पास सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। नालंदा जिले के एकंगर सराय चौराहे पर 2 पिकअप वैन की टक्कर में एक चालक की मौत हो गई, जबकि चौराहे पर बैठे एक दारोगा की भी इस हादसे में मौत हो गई। वहीं कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र के नवाबगंज फुलवरिया के पास एक अनियंत्रित बस की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वैशाली और सीतामढ़ी जिले में हुई सड़क दुर्घटनाओं में भी एक एक व्यक्ति की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर शौचालय निर्माण योजना में तेजी लाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। आज पटना में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक पूरे प्रदेश को खुले में शौच मुक्त करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। श्री कुमार ने वैसे लोग जो शौचालय निर्माण के बाद भी खुले में शौच जाते हैं उनकी आदतों में परिवर्तन के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा। मौसम विभाग ने 6 जून से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी भी चलने की आशंका जताई गई है। अगले 48 घंटे मौसम प्रायः शुष्क बना रहेगा। आज गया 39.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। पटना का अधिकतम तापमान 38.6, भागलपुर का 36.4 और पूर्णिया का 34.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र के पैकात गांव से पुलिस ने 1150 कार्टन शराब के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं बेगूसराय जिले के तेघरा थाना क्षेत्र के दनियालपुर गांव से पुलिस ने 50 कार्टन शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। मौके से 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। वहीं अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। कटिहार जिले के बलरामपुर प्रखंड स्थित बेजपुरा गांव में उच्च क्षमता विद्युत तार की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया गोपालगंज मुख्य पथ पर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 2 अपराधियों को आधा किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों की वाहन लूट के कई मामलों में पुलिस को तलाश थी। शिवहर के जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन में शिथिलता बरतने के आरोप में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों की वेतन में कटौती का निर्देश दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। ईद उल फितर का चांद अब तक कहीं से देखे जाने की पुष्टि नहीं हुई है। ईद को लेकर बाजारों में देखी जा रही है काफी चहल पहल। प्रदेश के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए 32,000 शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, अगले वर्ष स्वतंत्रता दिवस तक प्रदेश के सभी घरों में बिजली के प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएंगे। और मौसम विभाग ने 6 जून से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। दिस इज ऑल इंडिया रेडियो द न्यूज रेड बाय लालिमा अनेजा डैंग। A Delhi court today sent separatists Masarrat Alam, Asia Andrabi and Shabir Shah to 10-day NIA custody in a terror funding case involving JUD chief Hafiz Saeed, the 2008 Mumbai terror attack mastermind. The National Investigation Agency arrested the 3 during in-chamber proceedings before Special Judge Rakesh Sial and sought 15-day custodial interrogation. NIA had filed a charge sheet in 2018 against Saeed, another terror mastermind Sayyid Salahuddin, and 10 separatists in a case of alleged terror funding and secessionist activities in the Kashmir Valley.
The search operation continues for the Indian Air Force AN-32 aircraft, which went missing after taking off from the Jorhat Air Base in Assam yesterday. Defence sources said 13 people, including a wing commander, a squadron leader and 4 flight lieutenants, were on board the aircraft. The Air Force is coordinating with Army, Navy and various government and civil agencies to locate the aircraft in the northeast. Sukhoi 30 combat aircraft and C-130 special ops aircraft have been pressed into service to locate the aircraft. Indian Navy's Long Ridge Maritime Reconnaissance Aircraft P-8I has joined IAF and the Army in the search operation between Jorhat and Mechuka. Environment Minister Prakash Javarkar today launched a people's campaign, hashtag selfie with sapling, urging all to join and plant a sapling and post the selfie with the sapling on social media. Talking to media in New Delhi on the eve of World Environment Day, Mr. Javarkar stressed that people's participation is integral towards tackling the environmental issues and environment protection has to be a people's movement. This year, the theme of the Environment Day is air pollution. Mr. Javarkar informed that he, along with renowned cricketer Kapil Dev and Bollywood actor Jackie Shroff, will plant sapling in the premises of Paryavaran Bhavan tomorrow. Information and Broadcasting Minister Prakash Javarkar today said the autonomy of Prasar Bharati is important and should be maintained. After flagging off the newly acquired 17 digital satellite news gathering DSNG vans of DD News in New Delhi, Mr. Javarkar said Prasar Bharati should look for new avenues in the era of digital expansion. He said Doordarshan's credibility has been increased in the last 5 years. The Bahujan Samaj Party, BSP, will go alone in the Uttar Pradesh Assembly by-polls. Talking to reporters in New Delhi, Party Chief Mayawati said it is not a permanent break in alliance with Samajwadi Party, and if she feels in future that Akhilesh Yadav succeeds in his political work, the two parties will again work together. Meanwhile, Samajwadi Party President Akhilesh Yadav has said his party will go solo in by-elections to 11 assembly seats in Uttar Pradesh if its alliance with the BSP ends. He was talking to media persons at Ghazipur in Uttar Pradesh today. Yadav said they will field SP candidates on all the 11 seats after consulting party leaders soon. In Maharashtra, senior Congress leader Radhakrishna Vikhe Patil today resigned as a member of the Legislative Assembly. He has submitted his resignation to the Speaker of the Maharashtra Vidhan Sabha. After resigning as a Congress MLA, Mr. Patil said that the situation has made him resign. In Kerala, a college student has been infected with the Nipah virus. State Health Minister K.K. Shailaja today said the results of blood samples which were tested at the National Institute of Virology in Pune have confirmed Nipah. The student has been admitted to a hospital in Kochi. Ms. Shailaja said the condition of the student is stable and he was not put under any support system like a ventilator. She said 86 people who have interacted with the student were under medical observation. In an unusual move, China today issued a travel alert for its citizens visiting the US, warning them of harassment and public security issues in the country as bilateral ties touched a new low amid a spiraling trade war. In cricket, rain has interrupted play in the round-robin match between Afghanistan and Sri Lanka at the ICC Men's World Cup at Cardiff, capital of Wales, United Kingdom. Afghanistan won the toss and elected to field. Put into bat, Sri Lanka were 182 for 8 in 33 overs when rain halted play. And that's the end of this news bulletin.